हाय, आई एम डॉक्टर गौरव और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज और एक केस स्टडी के साथ आई एम हियर, जिसमें 6 मंथ में जो रिज़ल्ट है वो डॉक्यूमेंट हुआ है एंड पेशेंट ने बहुत अच्छा एक टेस्टिमोनियल वीडियो भी दिया है ऑन दैट, वो मैं लास्ट में अटैच करूँगा। हर केस अपने आप में हेयर ट्रांसप्लांट में अलग होता है। इस केस की जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है कि पेशेंट अपने साल भर पहले से एक पैच पहन रहे थे सामने के एरिया में, वो पैच की वजह से वो परेशान हो चुके थे। जितने भी पेशेंट्स मैंने पैच वाले देखे हैं, अमूमन साल भर में सब लोग परेशान हो जाते हैं। उसकी परेशानी का कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि पैच कोई अच्छी चीज़ नहीं है, विग या पैच, लेकिन उनके लिए है, उसका पर्पस एक तरीके से डिफाइंड है कि वो कुछ समय के लिए अच्छी चीज़ है। किसी को कोई फंक्शन, मैरिज, ये सब का एक्ट निपटाना है, उसके लिए ठीक है। लॉन्ग टर्म वेयरिंग अ पैच विदाउट रिमूविंग इट डेली विल कॉज प्रॉब्लम्स, और खुद से उसको डेली निकाल के पहनना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। उसे हर महीने मेंटेन करना होता है, जिसके लिए एक स्पेसिफिक जगह पे जाना पड़ता है, जो कि एक टास्क होता है। और पैच वाले पेशेंट्स की और जो दिक्कतें हैं, स्किन एलर्जीज शुरू हो जाती हैं। इनकी प्री ऑपरेटिव फोटोग्राफ्स में भी आप देखेंगे स्किन रेड थी काफ़ी, हमें एक प्रोसीजर डिले करना पड़ा था हफ्ता भर। ट्रिम करने के बाद जो हमें दिखा, इट वॉज वेरी रेड। सो नीचे इचिंग, डर्मेटाइटिस, डिफरेंट इशूज विच कम अप विद पैच। दैट इज़ वाई मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, हमारा जो इंडियन वेदर कंडीशन है, इसमें पैच एक बहुत आइडियल सोल्यूशन नहीं है, विग या पैच, बिकॉज गर्मी में गर्मी ज़्यादा, सर्दी में सर्दी ज़्यादा, और स्वेटिंग इचिंग की वजह से वो कभी लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। हाँ, पैच के अपने एडवांटेजेस हैं, जो डेंसिटी पैच में मिलती है वो कभी हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं मिल सकती उस तरीके का, बट वो एक आर्टिफिशियल लुक भी देता है। सो हमने इनका हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया एंड वी डिज़ाइन द हेयर लाइन, थोड़ा रिसीडिंग हेयर लाइन प्लान किया था, ताकि वी कवर अ गुड अमाउंट ऑफ एरिया इन अ गुड डेंसिटी, एंड इट हैज़ कम अप प्रिटी वेल। इट इज़ एन अर्ली रिजल्ट, अभी 6 महीने ही हुए हैं, वी एक्सपेक्ट इट टू बिकम मोर बेटर। ही वॉज रेगुलर इन हिज PRP थेरेपीज, स्पेसिफिकली GFC, और साथ में हमने उनके मल्टीविटामिन और अपना जो कॉकटेल रेजिम है वो चलाया हुआ था। सो हिज एग्जिस्टिंग हेयर्स हैव ऑल्सो बिकम बेटर। पैच की एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आजकल यंगस्टर्स दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पैच बिकॉज इट्स एन इंस्टेंट सोल्यूशन और उसमें एक बहुत हाई लेवल की डेंसिटी मिलती है। लेकिन जो यंग बच्चे हैं, जिनके अभी भी अपने बाल हैं, सिर्फ थोड़ा सा साइड से रिसीडिंग हेयर लाइन है, वहाँ पर अगर आप पैच लगाते हो तो आप अपने बालों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हो, क्योंकि पैच के लिए वो नीचे के बालों को ट्रिम करके उसके ऊपर लगाया जाता है एंड इट कॉजेज लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी टू योर एग्जिस्टिंग हेयर्स। कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर रहता है यहाँ पे, इट कॉजेज डेफिशिएंसी टू योर एग्जिस्टिंग हेयर्स और वो खराब होते हैं, जल्दी गिर जाएंगे। सो इसलिए अ परमानेंट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज अ हेयर ट्रांसप्लांट एंड इट ऑलवेज गिव्स यू अ नेचुरल लुकिंग। द वीडियो टेस्टिमोनियल फॉलोज। Also, I'll be keep posting more videos on case studies like this. We have different conditions ke videos. I'll be keep posting it. Hello everyone. I got my hair job done in last year, 2020, December, and it's been like 6 months now. And you can see the quality of hairs which I have got now. और ये मैंने गुड़गांव के NS क्लिनिक में कराया था, डॉक्टर गौरव ने किया था। To be very honest, I was planning this from last 3 or 4 years, but I'm like a bit phobic with needles and all. तो डर रहा था, बट गौरव, डॉक्टर गौरव ने इसको इतने अच्छे तरीके से किया कि मुझे पता ही नहीं लगा। और इट इज़ वेरी यू नो इजी टू अप्रोच, आप उनको कभी भी फ़ोन कर सकते हो और कभी भी कुछ भी आपको इंक्वायर करना हो अबाउट हेयर एंड ऑल, तो इजीली इज़ वेरी हेल्पफुल। बट अगर मैं बात करूँ हेयर की, तो आई एम सो हैप्पी, यू कैन सी यू नो सी डेंसिटी एंड बैक फॉरवर्ड एवरीवेयर। थैंक यू।